नवजात शिशु के सही विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध बच्चे को सही से मिले, यानी कि बच्चे का पेट भर सके इतना दूध जो है एक माँ अपने बच्चे को पिलाए शुरुआती समय में। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाइए, बाहर से कुछ भी मत दीजिए। यहाँ तक कि पानी भी जो है डॉक्टर मना करते हैं, अगर आपका बच्चा अभी 6 महीने का नहीं हुआ है तो उन्हें बाहर से पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। माँ के दूध के अंदर वो सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जिससे कि बच्चे का विकास जो है बहुत अच्छे से होता है, चाहे वो उनका शारीरिक विकास हो चाहे वो उनका मानसिक विकास हो। नमस्कार, मैं दीपिका बींग मम्मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उपाय के बारे में बात करने से पहले सबसे ज़रूरी टिप जो कि बहुत काम आने वाला है, आप बहुत सारा पानी पीजिए। जितना पानी आप पियेंगी ना उतना ही दूध की जो है क्वांटिटी बढ़ेगी। दूध के अंदर जो है 90% पानी ही होता है, तो अगर दूध बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए। जैसे आप प्रेग्नेंट थी तो आप 6 बॉटल 7 बॉटल पानी पी लेती थी ना, वैसे अभी भी आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत होती है, इसलिए आप बहुत सारा पानी पीजिए। और अब हम बात करेंगे होम रेमेडी के बारे में। तो सबसे ज़रूरी और पहली टिप वो है कि आप अपने खाने में जो है हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि सरसों हो गया, जैसे कि मेथी हो गया, जैसे कि पालक हो गया। ये सारी सब्जियां जो होती हैं हरे पत्तेदार होती हैं, और अगर आप इनका इस्तेमाल अपने खाने पीने में करती हैं तो आपको वो सभी ज़रूरी पोषक तत्व जो है मिल जाता है, जिससे कि आप दूध जो है बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगी। इसलिए आप अपने पूरे दिन में जो है कम से कम एक बार जो है ज़रूर ही अपने खाने के अंदर जो है हरे पत्तेदार सब्जियां बना करके खाइए। कम तेल कम मसाले डालिए उसके अंदर, उसको अच्छे से आप पकाइए और उसको खाइए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टिप है वो है मेथी के दाने। मेथी के दाने जो है अपने आप में भरपूर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर आप इसका इस्तेमाल अपने खाने में करती हैं तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मेथी के दाने के अंदर जो है ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में मिलता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है, इसके अंदर कैरोटीन मिलता है, इसके अंदर विटामिन बी मिलता है, मतलब जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं ना ये आपको अकेले मेथी के अंदर मिल जाता है, और ये आपके घर में भी बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो आप जो है अपने खाने के अंदर मेथी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाहो तो मेथी का चाय बना करके भी पी सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। या फिर आप मेथी का जो है छौंक लगा करके खाइए, या रोटी या पूड़ी के अंदर भी जो है आप मेथी के दाने का इस्तेमाल करके खा सकती हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप मेथी के दानों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और फिर बताइएगा कॉमेंट्स में लिख करके कि इससे आपको कितनी हेल्प मिली है। नेक्स्ट टिप है वो है कच्चा पपीता। अगर आप कच्चे पपीते का सैलेड बना करके खाती हैं तो इससे भी जो है आपका दूध बहुत ही अच्छा बढ़ता है। फलों में अगर सबसे बेस्ट फल होता है दूध को बढ़ाने के लिए तो वो होता है कच्चा पपीता, पर इसकी क्वांटिटी का भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा एक बड़ा पपीता लेकर के मत खाइएगा, थोड़ा थोड़ा पपीते का सैलेड बना करके खाइएगा तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सौंफ। जब भी आयुर्वेद की बात होती है ना, और जब भी माँ का दूध बढ़ाने की बात होती है, तो अगर आप उसमें सबसे पहली चीज़ देखोगे ना तो उसमें सौंफ का वर्णन जरूर मिलता है, मतलब सौंफ का जो नाम है आपको टॉप लिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप जो है अपने दूध की मात्रा बढ़ाना चाहती हैं, अच्छी क्वालिटी का भी प्रोड्यूस करना चाहती हैं, और आपको गैस वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, तो आप जो है ज़रूर सौंफ का इस्तेमाल कीजिए। सौंफ जो है खाने के बाद भी आप खा सकती हैं, क्योंकि वो जो है एक तरह का मुखवास होता है, तो उसका टेस्ट भी ज़्यादा बेकार नहीं लगता है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो आप सौंफ इस तरह से खा सकती हैं, या फिर आप सौंफ को जो है अच्छी तरह से, जैसे चाय पत्ती को चाय में उबालते हैं ना पानी में, उस तरह से आप सौंफ को भी उबाल करके नॉर्मल टेम्परेचर करके पीजिए, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप इस तरह से सौंफ का जो है एनी हाउ इस्तेमाल कीजिए, बट वो अपने बॉडी के अंदर लीजिए उसको कैसे भी करके, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लहसुन। लहसुन जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है माँ का दूध को बढ़ाने के लिए, तो आप लहसुन का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप जो है नियमित रूप से यानी कि रेगुलर बेस पे अगर आप लहसुन खाती हैं ना, तो इससे जो है दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है। बस ध्यान रखने वाली बात होती है दो, पहला तो आप उसको कच्चा मत खाइए, दूसरा आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन खाने लगेंगी ना तो उसका स्मेल जो है दूध के अंदर आने लगता है, तो बच्चा दूध पीने के
बजाय जो है दूध को अवॉइड करने लगेगा। इसलिए दूध जो है आप बनाना चाहती हैं, अच्छा बनाना चाहती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाना चाहती हैं, तो आप जो है लहसुन को पका करके थोड़ा थोड़ा खाइए। जैसे कि सूप वगैरह में लहसुन का तड़का लगा दीजिए, दाल वगैरह में लहसुन का तड़का लगाइए, सब्जी में लहसुन का तड़का लगाइए, या चटनी वगैरह में भी जो है आप लहसुन डाल सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा लहसुन का यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही इसे हर नए पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है दूध का ना बनना या कम बनना, अच्छी क्वालिटी का ना बनना, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। क्योंकि जो है लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है, बहुत सारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो गई है, तो ये जो है नॉर्मल सी बात है। तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, बींग मम्मी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा।